अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेली की नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला अलग ला। बेली की नागिन निकाली मुन्ना। हेलो गाइस, आज का तो मैं स्वागत है आप सभी के नए वीडियो में। आज मैं यहाँ बात करने वाला हूँ पबजी बैन के बारे में और भी काफी सारी ऐप्स है जो बैन हुई है। क्या उसके पीछे रीजन है, क्यों कर रही है इंडियन गवर्नमेंट ये चीज और क्या रीजन है, क्योंकि काफी भी पहले अटेम्प्ट हुए हैं, तो इस बार ऐसा क्या है, तो उसके बारे में तो जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ मैं बात कर रहा था पबजी बैन के बारे में। तो पबजी हो चुकी है बैन, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे आप, साथ में 118 ऐप्स और बैन किए। तो क्या इसके पीछे रीजन है कि पबजी वगैरह आपका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। अब आप जैसे कहीं समझदार लोग ये कहेंगे कि भाई मैं दूसरा फ़ोन यूज़ कर लो जिसमें मैं कुछ ना डालूँ, सिर्फ पबजी खेलूँ, तो वो आपके फ़ोन को एक्सेस कर रही है। तो उसके थ्रू न्यूज़ है जो इंफॉर्मेशन है फ़ोन की और आपके आसपास की लोकेशन की, तो कहीं से भी टैप करके कहीं भी जा सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपके फ़ोन में पबजी है, ठीक है, और आपके फ़ोन में और कोई डाटा नहीं, सिर्फ पबजी डाल रखी है आपने, और कुछ नहीं डाल रखा, मगर उसमें और कुछ भी बहुत कुछ है, आपकी लोकेशन है और भी सारी चीज़ें हैं, आपकी न्यूज़ वगैरह कहीं ना कहीं से वो उठा ही लेंगे, कुछ ना कुछ करके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। तो ये सब बैन करना बहुत ज़रूरी है और बाकी जो ऐप्स है वो भी इसी वजह से की है कि आपका डाटा वगैरह लिखना हो, सिर्फ आपका नहीं कंट्री का भी डाटा लिखना हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना चले जाए जिसकी वजह से हम थोड़े कमज़ोर कर दें। मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपका फ़ोन है, मान लीजिए आप उसमें कुछ भी रख रहे, फिर भी उसमें बहुत कुछ है, आप नहीं जानते, मगर एक लोकेशन ही बहुत कुछ काम कर सकती है। एक आपका इंटरनेट ही ऑन है, वो भी बहुत कुछ काम कर सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपके मान लीजिए पबजी उनकी ऐप है, तो वो उसमें कुछ भी ला के ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लोकेशन के थ्रू उनको वो चीज़ मिल जाए जो उनको नीड है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप थोड़े बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, और भी गेम है वो भी खेल सकते हैं, जरूरी आपने चाइना की गेम खेलनी है, और भी ऐप्स है वो यूज़ कर सकते हैं, जरूरी आपने चाइना की ऐप यूज़ करनी है। तो बिहाइंड सबसे बड़ी रीज़न यही है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा समझदार ना बने कि हम दूसरे फ़ोन में यूज़ कर ले तो उसमें हमारा डाटा वगैरह नहीं जाएगा। सिर्फ आपकी सेफ्टी की बात नहीं, ये पूरे कंट्री की सेफ्टी की बात है, और इसलिए सेक्शन 69A भी साथ में लगाया ताकि सारे पब्लिक प्लेसेस वगैरह में और ये इंटरनेट से ही बैन हो जाए, मतलब चले ही ना। एक तो होता है प्ले स्टोर से बैन करें, वो अलग चीज़ थी, अब सेक्शन 69 लगा के इंटरनेट से बैन कर दिया। अगर आप किसी और वेबसाइट वगैरह से डाउनलोड करके इसको खेलने की कोशिश करते हैं तो आपके फ़ोन में कुछ भी हो सकता है, मतलब आप पे एक्शन भी उठा सकते हैं गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें जैसे वीडियो, ताकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुँचे कि पबजी बैन क्यों हुई है। ज़्यादा मतलब चौंकने वाले और भी गेम हैं, वो के लिए ज़रूरी है कि पबजी गेम और भी एप्लीकेशन है वो यूज़ करें, ज़रूरी है मतलब बाकी जो एप्लीकेशन है वही यूज़ करनी है। एप्लीकेशन याद है, अगर आप PDF वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, PDF से कन्वर्ट करना चाहते हैं, इमेज को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कैम स्कैनर काम करता है वो सारे काम हमारी ऐप करती है। और आपको अगर YouTube से वीडियो डाउनलोड करनी है या म्यूजिक में डाउनलोड करनी है तो वो भी आप हमारी ऐप से कर सकते हैं। तो ये तो सर का मेन जो वीडियो थी वो पबजी के ऊपर थी, और बाकी जो ऐप्स बैन हुई है उनके ऊपर लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। तो लाइक कर दें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो अगले फ्रेश में इसी ज़्यादा फ्रेश होता है।